मुजफ्फरपुर के बाद यूपी के देवरिया में बालगृह में बच्चों पर हो रहे शोषण ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। 24 बच्चियों के रेस्क्यू के बाद योगी सरकार एक्शन में आई और प्रदेश के बाकी बालिका गृह की जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, सब कुछ जांच होगी, हम इससे इनकार नहीं करते कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, यही होगी। अब ये बहुत गंभीर जांच का विषय भी है और इसमें तत्काल सच्चाई सामने आएगी और इस संस्था पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, पहले भी हुई। योगी सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, ऐसे में राज्य के हर जिले को अलर्ट कर दिया गया है, जहां अधिकारी एक के बाद एक शेल्टर होम में छापेमारी कर रहे हैं और कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। शाहजहांपुर में बालिका गृह में एसपी और डीएम भारी सुरक्षा बल के साथ औचक निरीक्षण में पहुंचे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। यहां 10 से 18 साल की 22 लड़कियां मौजूद थी, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। वहीं पीछे की ओर एक संदिग्ध दरवाजा मिला, जिसे बंद करा दिया गया। बालिका गृह के सीसीटीवी और कागजात को कब्जे में ले लिया गया। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे और होमगार्ड्स भी, जब तक कि इसको शिफ्ट ना कर लें, इनको निर्देश दिया गया है कि इस भवन से इसको शिफ्ट करके दूसरे भवन में करें, क्योंकि ये जो उसकी लोकेशन है जहाँ बच्चियाँ रहती हैं वो असुरक्षित दृष्टिया लग रही है। योगी सरकार के सख्त होने के बाद मिर्जापुर में भी प्रशासन की नींद खुली और एक शेल्टर होम को बंद करवा दिया गया। वहीं पूरी टीम के साथ कोवेशन अधिकारी ने शहर के बाकी शेल्टर होम की जांच की और लड़कियों से पूछताछ की गई। अधिकारी का कहना था कि जिस शेल्टर होम को बंद कराया गया है वो सरकारी गाइडलाइन की अनदेखी करता था। जो संस्था का संचालन था वो उपयुक्त नहीं पाए जाने के कारण उस वहां से उस महिला को हम हैंडओवर करते हुए उस संस्था को आज हमने बंद करा दिया। कानपुर में अलग अलग बालिका गृह केंद्रों पर अधिकारी पुलिस दल बल के साथ औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर लड़कियों से पूछताछ की गई, वहीं हालातों की भी जानकारी ली गई। हालांकि अधिकारी का दावा है कि यहां किसी भी शेल्टर होम में कोई खामी नहीं पाई गई। इलाहाबाद में कुछ साल पहले शिवकुटी स्टेट के बालिका सुधार गृह में एक चपरासी के लड़की के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया। इस खुलासे के बाद इलाहाबाद जिला प्रशासन बहुत सजग हो गया और हर बाल सुधार गृह, चाहे वो लड़कों का हो या लड़कियों का, सब में विशेष सतर्कता जिला प्रशासन बरतता है। ऐसे में देवरिया कांड के बाद शेल्टर होम का दोबारा से निरीक्षण किया गया और हालातों का जायजा लिया गया, जहां कोई खामी ना मिलने का दावा किया गया है। वाराणसी के जैतपुरा स्थित महिला कल्याण विभाग यूपी की ओर से चलने वाले बालिका गृह का औचक निरीक्षण करने जिला अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरा और एंट्री एग्जिट पॉइंट पर भी सीसीटीवी कैमरे के काम करने को जांचा, जिसमें सीसीटीवी सही मिला। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान रहने, खाने, बाथरूम और शौचालय की भी व्यवस्था का निरीक्षण किया गया।